नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों के मच अवेटेड मूवी हाई एंड लो का सीक्वेंस, हाई एंड लो द वर्स एक्स क्रॉस का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को इस मूवी के कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से समझना है तो मेरे पहले वाले हाई एंड लो द वर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, और इस मूवी पर आप लोगों को बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मूवी की स्टार्टिंग पर आप लोगों को रेड यूनिफॉर्म में साउथ डिस्ट्रिक्ट के सिनामोन टेक्निकल हाई स्कूल सुजाकी रियो के आसमान की ओर देखते हुए दिखाई देंगे, और फिर दिखाते हैं सिनामोन टेक्निकल हाई स्कूल के अमागाई जो अपने अलायंस स्कूल कामासाका हाई स्कूल के राइजिन और गांधी और इबारा कमर्शियल हाई स्कूल के सोजी, राइजिन और फुजिन के साथ दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को मारते हुए, क्योंकि वो लोग अमागाई के साथ अलायंस करना नहीं चाहता था। पर अमागाई का ड्रीम होता है कि किसी भी हालत पर सबसे पावरफुल बनना, और वो उस स्कूल के लीडर का हाथ तोड़ देता है और बाद में अग्री हो जाता है। पर अमागाई के रास्ते में बिग चैलेंज होता है ओया हाई स्कूल, जो बहुत ही पावरफुल होता है, और अमागाई एक्चुअल पर ओया हाई स्कूल को ख़त्म करना चाहता था। लड़के लोगों का धुलाई करके अमागाई और टीम वहाँ से निकलते हैं। फिर मूवी में दिखाता है फुजियो जो सुजरान स्कूल के बाहर खड़ा होता है। अगर आप लोग सुजरान हाई स्कूल का हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो क्रो जीरो जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हूँ। फुजियो अकेले ही सुजरान स्कूल के अंदर जाता है और मुझे राव से मिलना है बोलकर दो लव फिक्शन के मेंबर काउई और मर्सी को पूछता है। ये सुनकर सुजरान के अगल बगल के लड़के फुजियो को घेर लेता है और बाद में अटैक करने लगते हैं। फुजियो सिंगल हैंडेडली सबका पिटाई कर रहा होता है, तभी रूप से अचानक लव फिक्शन का दूसरा मेंबर बिंजो वहाँ पर आ जाता है और इमीडिएटली फुजियो के साथ लड़ने लगते हैं। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होना शुरू होता है। फुजियो बिंजो को एक बड़ा क्रॉस पंच देता है, पर बिंजो अचानक खड़ा हो जाता है जैसे कि वो ज़ॉम्बी हो। फाइनली फुजियो बिंजो को एक बढ़िया किक मारकर गिरा देता है, पर ये क्या, बिंजो फिर से खड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं मुझे फुजियो पर इंटरेस्ट है। तभी लाओ फिक्शन का दूसरा मेंबर मोगुरुकुबा पर आ जाता है, फुजियो को चैलेंज करता है, पर वहाँ पर मर्सी आकर रोक लेता है और फुजियो को समझाने लगते हैं कि ऐसे कैसे कोई भी मुंह उठाकर राव को चैलेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए क्यू पर बैठना होगा क्योंकि राव बहुत ही फेमस पर्सन है और बहुत सारे लड़के उसको मिलना चाहते हैं। रिप्लाई में फुजियो इनोसेंट होकर वो क्यू का मेंबर कहां से मिलेगा बोलकर पूछने लगते हैं। तभी अचानक मोगुरुकु फुजियो को किक मार देता है, पर फुजियो उसको ब्लॉक करके ये किक तो दुरुकी के किक की तरह पावरफुल नहीं था बोलता है। ये देखकर मर्सी फुजियो को बहादुरी को सराहने लगते हैं और लाओ को मिलने का टिकट का मैनेज करना पड़ेगा बोलता है। फुजियो वहां से जाने लगते हैं, तभी उसको रास्ते पर एक बड़ा मजबूत शरीर वाला लड़का दिखाई देता है जो राव होता है, और उसके साथ होता है लव फिक्शन का मेंबर कंसुकी जो फुजियो को देखकर धमकाने लगते हैं। सुजरान स्कूल पर अकेले जाकर वापस आने के बाद फुजियो होसन हाई स्कूल जाता है। वहां पर फुजियो अकेले ही सुजरान स्कूल के अंदर गया था बोलकर सब चौंक जाते हैं। जिनकावा, ओडाजिमा, किंजो, सावामुरा, यकेन सब फुजियो के कूल नेचर से दंग रह जाता है, और फिर सबाकन सुजरान स्कूल के फैमिली और फिक्शन के बारे में बताने लगते हैं कि सुजरान में करंटली कोई एक लीडर नहीं है और गैंग बहुत ही फिक्शन पे बटा हुआ है। लॉ फिक्शन में केवल बहुत ही कम मेंबर है, नॉट इवन मोर देन 10 मेंबर्स। फर्स्ट कांसुके जो सेकेंड ग्रेड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। नेक्स्ट है कामुई जो सेकेंड ग्रेड से है, जो पार्कर है जो स्पाई का काम करता है और इसीलिए हर हमेशा मास्क पहनता है। तीसरा है मोगुरुकु जो च्युइंगम एंजॉय करता है और बहुत ही हार्ड किक भी मारता है। फोर्थ में मर्सी जो फाइट में तो बढ़िया नहीं है पर दिमाग से स्मार्ट है। फिफ्थ में बेंजो जो पागल जोम्बी जैसे फाइट करता है, और सिक्स में मिसाकी मारियो जो बहुत ही रिस्पेक्टेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसको सब राव बुलाता है। उतने में ही फुजियो को सचियो को याद आता है और सचियो के बारे में पूछने लगते हैं। तभी सबाकर सचियो का माँ बीमार होने के कारण यहाँ नहीं है बोलता है।
फिर मूवी दिखाता है स्विट्जरलैंड स्कूल की ओर, जहां पर स्विट्जरलैंड स्कूल का फर्स्ट टू थर्ड का स्टूडेंट राव फिक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो लोगों ने फुजो को वहां से वैसे ही जाने दिया था। पर बाद में बिंजो को गुस्से से सब साइलेंट हो जाता है और रीज़न एक्सप्लेन करते हुए बताने लगते हैं कि स्विट्जरलैंड के हिस्ट्री में ऐसा केवल दो बार ही हुआ है, एक सचियो आकर और दूसरा फुजियो आकर लाओ को डायरेक्ट चैलेंज किया है। स्विट्जरलैंड के दूसरे स्टूडेंट इस मैटर में नहीं पढ़ोगे। बाद में मर्सी कामोई को फुजियो के ऊपर नज़र रखने को बोलता है। नेक्स्ट डे फुजियो अपने ओया हाई स्कूल पर आकर अपने दोस्तों से कल अकेले ही स्विट्जरलैंड स्कूल में जाकर लाओ फिक्शन को चैलेंज करके आने के बाद बताते हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। स्कूल के इवन फुल टाइमर इंक्लूडिंग कियोशी, यासुशी, नाकाकोका और नागागोशी और सुजी और सिनाबम बाद में जमुआ लाओ के तीन कारनामे के बारे में बताने लगते हैं, जिससे वो स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड पर्सन है। फर्स्ट में अटैक बाय कुरोसाकी, सेकेंड में रोड क्लोजर इंसिडेंट और तीसरे में रूबी स्नैक बार को बंद करवाने के लिए। रूबी स्नैक बार इंसिडेंट में राव केवल फर्स्ट ग्रेड में था और राव ने उस बार पर एक आदमी को कोमा में पहुंचा दिया था। ये सुनकर दूसरे लोग जमो का मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी ओर सुकासा दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को पीटते हुए दिखाई देते हैं, जो इंस्टेंट शॉट पर स्ट्रांगेस्ट बनना चाहता था, और सुकासा कहते हैं कि सिनामोन स्कूल के लड़के उसे स्पाई कर रहे हैं। पर तोदुरुकी के आने के बाद वो लोग वहां से जाते हैं और फिर तोदुरुकी भी वहां से जाते हैं। मीनवाइल कैफे पर तीन अलायंस हैंग आउट करने लगते हैं, जहां पर फुजिन और रेजिन फ्रॉम इबारा स्कूल सिर्फ तोदुरुकी को ख़त्म करने का डील पर इंटरेस्टेड होता है। अमागाई और यो भी वहां पर आ जाते हैं। रेजी अमागाई को जल्द से जल्द अटैक करने का सुझाव देता है, क्योंकि कामासाका का लड़के पूरे हथियार से रेडी होता है। ये सुनकर सोजी हंसने लगते हैं और वहां पर थोड़ा टेंशन क्रिएट होता है और यो सिचुएशन को संभाल लेता है। अमागाई कुछ पैसे देकर और ज़्यादा लड़के को हायर करने को बोलता है, क्योंकि उसे लगता था कि अभी भी उसका फौज काफ़ी नहीं है आया को हराने के लिए। दूसरी ओर फुजियो को एक लेटर मिलता है जो सचियो की तरफ से होता है, जो अपने माँ के ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड गया होता है, और लेटर पर लिखा होता है कि अगर फुजियो को किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हुसैन का हमेशा साथ है। तो दुरुकी और सुकासा जा रहा होता है, तभी हुसैन का ओडाजिमा वहां पर आते हैं, जो तो दुरुकी का नया दोस्त होता है, और ये देखकर सुकासा सरप्राइज हो जाता है और तो दुरुकी एक्सप्लेन करने लगते हैं, और सेल्फी देखकर तो सुकासा और सरप्राइज हो जाता है, और बाद में वो तीनों लाओ फैक्शन के मर्सी के घर में जाते हैं। सुकासा मर्सी का डोर नॉक करता है और सुकासा मुझे राव के बारे में कुछ जानना है बताता है। तभी मर्सी पहले तो सुकासा को इग्नोर करता है, पर सुकासा राव फैक्शन का मेंबर को ओया हाई स्कूल के ऊपर स्पाइंग करते हुए फोटो दिखाता है, और ये देखकर मर्सी हंसने लगते हैं और मर्सी राव के बारे में बताने लगते हैं। केंजो लॉन्ड्री पर कपड़े धो रहा होता है, तभी वहाँ पर सुकासा फुजियो और जमुआ भी वहाँ पर वैन पर आ जाता है और केंजो उन लोगों को देख लेता है, और केंजो अपना पुराना दोस्त सबतन को कॉल करता है और वो तीनों एक ऑर्फन हाउस में जाते हैं, जहाँ पर राव होता है, जिसका इन्फॉर्मेशन मर्सी से मिला होता है। राव ऑर्फन के बच्चों से खेल रहा होता है। जमुआ पहले सोचता था कि राव एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो ट्रबल क्रिएट करता है, पर फुजियो भी राव को देखकर सरप्राइज हो जाता है। एक्चुअल पर राव ऑर्फन पर पला बड़ा होता है, और रूबी बार के जो घटना घटा होता है वो एक्चुअल पर राव अपना छोटा भाई को हेल्प करने के चक्कर पर किया होता है। ये सुनकर फिजियो चुप रहता है और कुछ कहे बिना राव के पास सीधा जाता है और दोनों आमने सामने होता है। अब लगता है कि फुजियो राव को चैलेंज करेगा, पर ये क्या, फुजियो राव का दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये देखकर राव कंफ्यूज हो जाता है, पर बाद में फुजियो से दोस्ती कर लेता है। अब मूवी में केंजो दिखाई देता है, जो सबतान से मिलने जाते हैं और बार के अंदर जाता है, जहां पर अमागाई केंजो को कुछ पैसा देकर अलायंस ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर केंजो इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देता है और पैसे का एनवेलप थ्रो कर देता है और जाने से पहले ओया हाई स्कूल से पंगा मत लेना बोलता है। ये देखकर अमागाई को गुस्सा आ जाता है। केंजो बाहर जाकर ओडाजिमा को कॉल करता है, पर ओडाजिमा प्रैक्टिस पर बिजी होता है, इसीलिए फोन पिकअप नहीं कर पाता है।
तभी पीछे से सबोतन और गैंग आकर केंजो का धुलाई कर देता है। ओडाजिमा कॉल बैक करता है, तब तक बहुत ही लेट हो चुका होता है। उधर ओया हाई स्कूल पर लड़के लोग चाउमीन इंजॉय कर रहे होते हैं, जहां पर फुजियो फुल टाइमर स्टूडेंट को राव के साथ दोस्ती का बात बताते हैं, पर वो लोग विश्वास करने को रेडी नहीं होता है। और उतने में वहाँ पर तोदुरुकी, सुजी और सुबामेन वहाँ पर आ जाता है। सुकासा भी वहाँ पर आकर तोदुरुकी से अपना चिंता जाहिर करता है। तभी मोटाउकी बताता है कि उसने वो फूड अपने वर्क प्लेस के लेफ्ट ओवर फूड से बनाया है। उधर सोजी रियो के बार के आगे मिलता है और पूछने लगता है कि क्यों तुम ये अमागाई का सब ऑर्डर को फॉलो करते हो, क्योंकि रियो नाइम हाई स्कूल का एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है और बाद में सिनेमोन टेक्निकल स्कूल ज्वाइन किया होता है और अमागाई के साथ। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रियो का पिता टोटली बैंकरप्ट होने के कारण अमागाई का पर्सनल ड्राइवर बन जाता है और अमागाई को फैमिली को सर्व करना होता है, और रियो का स्कूल का ट्रांसफ़र होने का एक मेन रीज़न भी यही होता है। रियो भी अमागाई को एक सच्चा दोस्त मानते चला आ रहा होता है। दोनों स्कूल ट्रांसफ़र होकर सिनेमोन में रियो की मदद से अमागाई सबोतन को हरा कर वहाँ का लीडर बना हुआ होता है। रात में सुकासा फुजियो को थोड़ा चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि सिनेमोन कामासाका इबारा के लड़के ओया स्कूल पर नज़र रख रहे होते हैं, पर फुजियो सीरियसली नहीं लेता है। अगले दिन होसान स्कूल में ओदाजिमा केंजो के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि केंजो के मिस कॉल के बाद उसका कोई खबर नहीं होता है। शॉर्ट के एरिया में फाइनली तीन अलायंस साथ पर दिखाई देते हैं और वो लोग ओया स्कूल के तरफ बढ़ रहा होता है। तीन अलायंस के फौज को देखकर पब्लिक डरने लगते हैं और वहां पर केन भी होता है, जो मूवी क्रॉस का हिस्सा है। वो लोग टनल पर गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर कर ओया के तरफ बढ़ने लगते हैं और बाद में डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्लिट होकर ओया स्टूडेंट को हंट करने लगते हैं। एक ग्रुप यसुसी और क्योसी फैक्शन को अटैक करते हुए ऊपर से एक मेंबर को थ्रो कर देता है, जिसको लीड कर रहा होता है गांधी, और उसका फोर्स बहुत ही बड़ा होता है। दूसरी ओर सुजी और सिबामेन जो बस में ट्रैवल कर रहा होता है, उन लोगों को फुजिन, सोजी और राइजिन का ग्रुप अटैक करता है। दूसरी ओर नुगागोशी नकाउका और टीम को सुदानुमा प्रोवोक करके एक वेयरहाउस पर लेकर जाता है। फुजियो, जमुआ और सुकासा भी टनल पर अमागाई, रियो और राइजिन का टीम घेर लेता है। नुगागोशी और नकाउका को सबोतन वेयरहाउस के अंदर एक ट्रैप में फंसा देता है, जिसमें नुगागोशी नकाउका को बचाते हुए इंजोर हो जाता है। उधर फुजियो और सुकासा भी तीन अलायंस टीम से लड़ने लगते हैं और फुजियो का आमना सामना राइजिन से होता है और दोनों के बीच फाइट शुरू होता है। फुजियो को राइजिन हाफ टाइम देते हैं, क्योंकि वो नकल का यूज़ कर रहा होता है। उधर सुकासा भी पार्किंग के अंदर छुप छुप कर एक एक दुश्मनों को मारने लगते हैं, पर वहाँ पर अमागाई रियो का टीम आ जाता है और रियो और सुकासा का वन एंड वन फाइट शुरू हो जाता है। रियो सुकासा को मारने लगते हैं। ओया स्कूल पर यासुकियो फैक्शन भी गांधी के टीम से लड़ रहा होता है और अपने ग्रुप मेंबर को बचाने के लिए क्योसी खुद को सैक्रिफाइस करने का ठान लेता है और गेट को चेन से लॉक करके दोस्तों को वहां से भगा देता है और खुद गेट के आगे डट कर खड़े रहते हैं। फुजियो और राइजिन का फाइट भी चल रहा होता है और फाइनली फुजियो राइजिन को गिरा देता है। उधर सुकासा रियो के साथ लड़ते लड़ते बहुत ही थक जाता है, फिर भी गिवअप नहीं करता है। रियो सुकासा का अच्छा धुलाई कर रहा होता है। बाद में अमागाई को गुस्सा आ जाता है और सुकासा को रॉड से मार कर गिरा देता है, पर दूसरी ओर तोदुरुकी तीन अलायंस के कुछ मेंबर को मार गिराने पर सक्सेसफुल होता है। फिर मूवी में सीन दिखाता है ओया स्कूल के जो टीम मेंबर्स का, जिसमें नागागोशी, क्योशी, सुजी और सिबामेन बहुत ही इंजोर होते हैं। जैसे तैसे फुजियो ओया हाई स्कूल वापस आ जाता है और देखता है कि कुछ ही दोस्त ही ओया स्कूल पर रिटर्न हुआ है और फुजियो रिग्रेट करने लगते हैं कि काश मैंने सुकासा का वार्निंग को सीरियसली लिया होता, और बोलता है कि मैं ओया स्कूल का लीडर बनने का लायक नहीं हूँ। उसी रात फुजियो जाकर होसन स्कूल का जिन कावा से मिलता है और सुकासा को बचाने के लिए हेल्प मांगने लगते हैं।
दूसरी ओर अमागाई सुकासा को बंदी बनाकर टॉर्चर करने लगते हैं। बातों बातों में सुकासा अमागाई को बताता है कि वो उससे बिल्कुल अलग है और नामर्द ही ऐसा किडनैप करता है और दोस्तों को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करता है। ये सुनकर अमागाई सुकासा को फिर से पीटने लगते हैं। सुकासा ये भी रियलाइज करता है कि रियो एक्चुअल पर अमागाई के कारण ही ऐसा बिहेव कर रहा है। अमागाई सबोतन को रियो के पिता के बैंकरप्ट के बारे में बात शेयर करता है, जिसके कारण रियो और उसका फादर अमागाई के फैमिली पर डिपेंडेंट है। जो रियो सुन लेता है और अमागाई को पूछता है कि क्या तुम भी मुझे टूल की तरह ही यूज करते हो। उधर तो दुरुकी अकेले ही राइजिन और फुजिन को चैलेंज करने उन लोगों के अड्डे पर पहुंच जाता है और दोनों से डील रखता है कि अगर तुम दोनों मेरे साथ हार गए तो तुम लोगों को सिनेमोन के साथ अलायंस तोड़ना पड़ेगा। और तो दुरुकी फाइट जीत लेता है। उधर हॉस्पिटल पर क्योसी से पता लगता है कि केंजो भी वही हॉस्पिटल पर कोमा में पड़ा है और ट्रीटमेंट चल रहा है। तो दुरुकी भी ओया बेस कैंप पर आकर बोलने लगते हैं कि अब इबारा सिनेमोन के साथ अलायंस पर नहीं है। तभी फुजियो को अमागाई से कॉल आता है कि जहां पर अमागाई फुजियो को चैलेंज करता है कि दम है तो सिनेमोन में आकर अपने दोस्त सुकासा को हमसे बचाकर ले जाए। फुजियो भी गुस्से में आकर रेडी हो जाता है पर तो दुरुकी होश से काम लेने को बोलता है क्योंकि ओया का मेंबर ऑलमोस्ट हाफ ही हो चुका होता है। फुजियो तो दुरुकी को इबारा अलायंस को ख़त्म करने के लिए धन्यवाद देता है। तो दुरुकी बोलता है कि अगर हम लोगों का भी अलायंस है तो अमागाई को जरूर दिखाएंगे। फुजियो इमीडिएटली होसैन स्कूल के जिम कावा को मिलने जाता है और हेल्प करने को बोलता है। नेक्स्ट डे फुजियो और ओया के बाकी मेंबर सिनेमोन की तरफ बढ़ने लगते हैं और बीच रास्ते पर होसैन के लड़के मिलते हैं और वो लोग भी ओया को ज्वाइन करते हैं। अब ओया अलायंस और सिनेमोन अलायंस सिनेमोन स्कूल के कंपाउंड पर आमने सामने होता है। फुजियो ढाबा बोल देता है और खतरनाक गैंग फाइट शुरू हो जाता है। ये फाइट का एक्शन सीक्वेंस लाजवाब है। फाइट के बीच में माइक पे अनाउंसमेंट होता है कि सुकासा स्कूल के स्पोर्ट फैसिलिटी हॉल पर है। ये सुनने के बाद तो दुरुकी फुजियो और हुसैन के लड़के स्कूल के अंदर जाने का रास्ता बनाने लगते हैं। स्कूल के अंदर भी सिनेमोन के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और भीतर भी खतरनाक फाइट स्टार्ट होता है। स्कूल के हॉलवेज में अमागाई अलायंस ने बहुत ही सारा ट्रैप बिछाया होता है। दोनों लड़ते लड़ते गांधी के पास पहुंचने वाला होता है। गांधी वहां से भाग जाता है तो दुरुकी को हेल्प करने के लिए ओडाजिमा भी स्वाइक में स्कूल के अंदर आ जाता है और अमागाई अलायंस के लड़के को पीटने लगते हैं। अब तीनों ओडाजिमा फुजियो तो दुरुकी साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग खिड़की से छलांग लगाकर दूसरी ओर जाने लगते हैं। तभी वहां पर बूढ़े दादात पर अमागाई अलायंस के लड़के हथियार के साथ आ जाता है। तभी अचानक वहां पर धासु एंट्री हो जाता है सुजरान के लाओ फैक्शन का, जहां पर केवल 6 मेंबर्स होते हैं। अमागाई अलायंस ने इस चीज़ का तो एक्सपेक्टेशन नहीं किया होता है। राव बोलने लगते हैं कि मैं मेरा दोस्त फुजियो को यहाँ पर हेल्प करने को आया हूँ। फुजियो और तो दुरुकी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी राव उन दोनों को रोककर अकेले ही आगे बढ़ने लगते हैं और धमाधम अमागाई के लोगों को मारने लगते हैं और बाद में सुजरान के दूसरे लड़के भी राव को ज्वाइन करते हैं। राव फुजियो और दूसरे लोगों को स्कूल के अंदर जाने को बोलता है। फुजियो और दजिमा तो दुरुकी हॉल के अंदर पहुंच जाता है पर वहां पर सुकासा को रस्सी पर लटका कर रख दिया होता है। सिनेमोन के लड़के फुजियो और टीम को अटैक करने लगते हैं। रियो भी वहां पर होता है और तो दुरुकी और ओडाजिमा के ऊपर भारी पड़ जाता है। तभी अमागाई रस्सी को नाइफ से काट देता है पर समहाउ फुजियो सुकासा को नीचे गिरने से बचा लेता है। फुजियो ऊपर अमागाई को मारने के लिए रेडी हो रहा होता है तभी सुकासा उसको रोक लेता है और वो मेरा है बोलता है। फिर फुजियो रियो तो दुरुकी ओडाजिमा के फाइट पर घुस जाता है। तभी पीछे से सबोतन और लड़के वहां आ जाते हैं और ओडाजिमा सबोतन से अपने दोस्त केंजो का बदला लेना चाहता है और तो दुरुकी भी दूसरे लड़के के साथ लड़ने लगते हैं। ठीक उसी टाइम स्कूल के बाहर अमागाई के दूसरे स्कूल के अलायंस पूरे हथियार के साथ वहां पर आ जाता है पर वहां पर अचानक हुसैन के साथियों आकर अकेले ही उन लड़कों का पिटाई कर देता है। सुजरान के लड़के भी ओया अलायंस के लड़के को हेल्प करते हुए हॉल की और आगे बढ़ने रखते हैं। उधर परफुजियो और रियो का 1-on-1 खतरनाक फाइट चल रहा होता है और वही ओडाजिमा और सबोतन को धोबी पछाड़ देता है और सबोतन को केंजो को माफ़ी मांगने को बोलता है।
फाइट में तुदुरुकी के सर पर एक लड़का बोतल फोड़ देता है, जिससे तुदुरुकी को और गुस्सा हो जाता है और वहाँ सबका पिटाई कर देता है। उधर अमागाई और सुकासा लड़ते लड़ते फर्स्ट फ्लोर से सीधे नीचे गिर जाता है। तभी राव फैक्शन और ओया अलायंस के लड़के हॉल के अंदर आ जाता है। ये देखकर अमागाई के लड़के वहाँ से सब भागने लगते हैं, पर रियो गिव अप नहीं करना चाहता है। वो अमागाई को आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करना चाहता है और फिर रियो और फुजियो का वन एंड वन फाइट कंटिन्यू होता है। रियो फुजियो को एक अच्छा पंच मारकर गिरा देता है। ये देखकर अमागाई खुश हो जाता है, पर ये क्या, फुजियो फिर से उठ खड़ा हो जाता है और रियो को चैलेंज करता है और दोनों चिल्लाकर एक दूसरे को बढ़िया पंच मारता है, पर फुजियो रियो का पंच डच कर लेता है और फुजियो का पंच रियो से कनेक्ट कर पाता है और रियो जमीन पर गिर जाता है। फाइनली फुजियो जीत जाता है, पर गमंदी अमागाई को हार पसंद नहीं होता है और वो चाकू निकालकर फुजियो के ऊपर वार कर देता है, पर रियो वार को रोक लेता है और बचपन का प्रॉमिस याद दिलाता है कि साथ में हम लोग शिखर पर पहुंचेंगे और अमागाई रियो को अपना सच्चा दोस्त मान लेता है। सिनामोन को हराने के बाद सब पूरे स्वैग से बाहर निकल जाता है। जाते जाते मर्सी फुजियो को थैंक्स बोलता है कि वही फर्स्ट लड़का है जिसने राव के साथ दोस्ती की। जाते जाते फुजियो को सचिव भी दिखाई देता है और खुश हो जाता है और फुजियो राव को रिमैच के लिए चांस देने को बोलता है और राव इमीडिएटली फुजियो और सचिव को फ्रेंडली ग्रीटिंग देता है। फाइट खत्म होने के बाद फिर से लड़के ओया बेस कैंप पर फूड एंजॉय करते दिखाई देंगे और नागाकोशी मैचमेकिंग इवेंट का टिकट हवा पर उछाल देता है और तुदुरुकी को भी एक टिकट मिल जाता है। क्रेडिट सीन पर रियो फुजियो को फिर से रिमैच के लिए चैलेंज करते दिखाई देते हैं, पर सुकासा सेम लव फैक्शन की तरह बोलता है कि अब फुजियो फेमस पर्सनैलिटी है और उसको चैलेंज करने के लिए क्यू पर आए। इमिडिएटली फुजियो रियो को किक मार देता है, जो रियो ब्लॉक कर लेता है और इसी तरह मूवी का एंड होता है। तो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो बनाने में बहुत ही एनर्जी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें और वीडियो अपने सोशल हैंडल और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।